हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोलर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। अब जो है सेशन नया स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आता हूँ। कैसी टिप्स? शुरू में आपको कुछ टिप्स मिलेंगी कि आपको कैसे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको टिप्स मिलेंगी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 5 स्टेप्स फॉर एन इफेक्टिव स्टडी। अब देखो क्या है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो अब एक आदत सा बनता जा रहा है। अब जब ये आदत बन रहा है तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए ताकि हम इस आदत को अच्छे तरीके से निभा पाएँ। सबसे पहला है प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। आपको एक टाइम सेलेक्ट करना है जिस टाइम पे आप पढ़ोगे और उस समय आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओ। और आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि आप रोज़ उसी टाइम पे बैठ के पढ़ोगे। कुछ बच्चे जो होते हैं सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ शाम को, कुछ रात में। आपको एक ऐसा टाइम ढूंढना है जब आप बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ सको और आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो इसका टाइम जो होता है बेसिकली या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर लेट नाइट, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। आपको जब लीस्ट डिस्टर्बेंसेस महसूस हो आप तब पढ़ें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना जो एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, इससे आप सही तरीके से पढ़ भी पाओगे और आपको टीवी देखने का, गेम्स खेलने का, पबजी खेलने का टाइम भी मिल जाएगा और आप बाकी सारे काम भी सही तरीके से कर पाओगे। आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए रेगुलर स्टडीज़ के लिए जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सको। बहुत लगातार मत पढ़ो, ब्रेक्स ले लेके पढ़ो इंटरवल्स पे। आपको नोट्स बनाते रहने चाहिए क्योंकि नोट्स जो हैं वो आपको साथ देंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए और याद करने के लिए। जब भी, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे खुद से ही पढ़ रहे हो, आप नोट्स ज़रूर बनाना। उसके बाद चौथा टॉपिक है मेंटेन फिटनेस। अगर आप फिट हैं और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो उससे आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और वो आपको एनर्जी भी देगा। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। आपको अपने दिन का कुछ टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ को देना चाहिए ताकि आप फ्रेश एयर में जाके खेल सकें, ना कि पूरा दिन पबजी में लगाएं। बाहर जाके फ्रेश एयर में ज़रूर खेलें। अगर आप इवन 10 मिनट भी लगाते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो सकता है। आप अपने नॉर्मल रूटीन को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। जिस टाइम पे आप सोते हैं उसी टाइम पे सोएं और आपके खाने और सोने हर चीज़ की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, रोज़ अदला बदली ना हो। अगर आप शांति से सो पाते हैं और आपकी बैलेंस्ड डाइट है तो आपको बहुत एनर्जी देगा। 5वां पॉइंट हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। आपको अपने अंदर विश्वास रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। कभी एग्ज़ाम से डरना नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कभी अपने रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो। हमेशा अपना बेस्ट करो, बेस्ट दो और आगे बढ़ते रहो। भगवान सबके साथ हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, और आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले डरना नहीं चाहिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है अब क्या होगा या फिर रिजल्ट क्या आएगा। आपको आराम से सोना चाहिए, रिलैक्स होके। अब बात करते हैं कि अगर आप पेपर दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमें कितना आता है हमें तभी पता, हमें उसी पे जज किया जाएगा जो हम लिखेंगे एग्जामिनेशन पेपर में। इसीलिए राइटिंग स्टाइल को और पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। सबसे पहला पॉइंट उसमें निकल के आता है टेक ऑल द नेसेसरी थिंग्स विद यू। आप एग्ज़ाम में बैठ के किसी से कोई चीज़ बोरो नहीं कर सकते, जैसे पेन, पेंसिल, रूलर और कुछ भी स्पेशल इक्विपमेंट्स, जैसे अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो आपको चाहिएगा कंपास वगैरह, कुछ भी। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी होती है तो प्रॉब्लम आपको होगी। एक्स्ट्रा पेन्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। अपनी घड़ी को आप हमेशा टाइम पे रखें, सेट रखें और ऐसे जगह पे रखें कि सुबह पेपर के लिए निकलते वक्त आपको उसे ढूंढना ना पड़े, इवन किसी चीज़ को ढूंढना ना पड़े। छोटी से छोटी चीज़ की भी एक इम्पॉर्टेंस होती है। हैव अ रिलैक्स्ड नाइट बिफोर योर एग्ज़ाम्स। आपको अपने एग्ज़ाम से एक रात पहले अच्छे से सोना है, कोई स्ट्रेस नहीं रखना, और सुबह उठ के हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। ये नहीं कि एक गिलास दूध पिया और चल दिए,
नहीं, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपका पेट भर जाए। उसके बाद मेक मैक्सिमम यूज ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स। अगर आप बड़े हो जाते हैं, आपके बड़ी क्लास में आते हैं, तो आपको मिलते हैं शुरू के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के। आप उन 15 मिनट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। हर क्वेश्चन को पढ़ो, जिन क्वेश्चन में चॉइसेस हैं उनमें आप सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ताकि आपका बाद में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। डोंट एक्ट इन हेस्ट वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। आप हमेशा क्वेश्चन जो हैं आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ सको, नोटिस कर सको और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। जॉट डाउन आइडियाज दैट कम टू यू। जब आप कोई आंसर कर रहे हो कोई क्वेश्चन को, आपको ध्यान आता है कि इससे रिलेटेड चीज़ है, कोई ध्यान आता है आपको, वो किसी और आंसर, किसी और क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अभी आप उस क्वेश्चन पर नहीं हो, तो यू कैन नॉट राइट दैट। तो आप उसको साइड में, जो आपके लिए रफ कॉलम है, उसमें आप लिख के रख दो उस चीज़ को जो भी आपको ध्यान आई है, क्योंकि जब तक आप उस क्वेश्चन पे पहुंचोगे, हो सकता है उस चीज़ को भूल जाओ। तो इसीलिए जो भी आपको ध्यान आता है, जब भी आपको कुछ क्लिक करता है, आप उसको साइड में रफ कॉलम में लिख दो। फॉलो द सीक्वेंस। जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको एक सीक्वेंस ज़रूरी होता है। सीक्वेंस जैसे, या तो आप क्वेश्चन करो 1 2 3 4 5, या फिर अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 9 8 7 6 5, ऐसे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले थर्ड कर दिया, फिर नाइन्थ कर रहे हो, फिर सेकंड कर रहे हो, फिर फिफ्थ कर रहे हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए। भले ही आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, आप उसके लिए जगह छोड़ दो, पेज छोड़ दो और आगे कंटिन्यू करो, ताकि जब भी आपको आंसर याद आए, आप वापस आके वहाँ पर लिख दो, लेकिन सीक्वेंस हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है एडहेयर टू द वर्ड लिमिट। आपको एक वर्ड लिमिट दी जाती है, आपको उसके बिल्कुल चिपक के रहना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको 3 नंबर का है, आपको बोला कि 3 पॉइंट लिखने हैं, या फिर बोला गया 50 वर्ड लिखने हैं, आप 70 80 वर्ड लिखोगे ये सोच के कि भाई मेरे को ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कम लिखोगे तो कम नंबर मिलेंगे, इसलिए वर्ड लिमिट से चिपक के रहें। अगला है मेंशन रेलेवेंट पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करने हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कभी नहीं लिखने, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। वही सेम तरीके से आता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसमें बोला कि 3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। अगर आप 4 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर आप 1 या 2 ही लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो इसलिए पॉइंट्स से और वर्ड लिमिट से आपको चिपक के रहना है, ना ज़्यादा ना कम। अगला है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आपके जो आंसर्स हैं वो नीट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और सही तरीके से अरेंज किए हुए होने चाहिए, उनको एक ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपको बेटर प्रेजेंटेशन देनी है, तो जो हेडिंग्स हैं और की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना ज़रूर है, ठीक है, और अपने आंसर्स को एग्जाम्पल से सपोर्ट करना अगर पॉसिबल हो तो। योर राइटिंग मस्ट बी क्लियर एंड लेजिबल। अगर बुरी हैंड राइटिंग है तो वो एग्जामिनर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एग्जामिनर को क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और अगर एक बार एग्जामिनर को बुरी लगी राइटिंग, तो वो आपके नंबर काट सकता है। तो इसीलिए आपकी जो राइटिंग है वो बहुत साफ होनी चाहिए। कटिंग्स और ओवर राइटिंग को आप अवॉइड करें। उसके बाद डिफरेंसेस इन टैबुलर फॉर्म। आपका, आपको कोई क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप उसको टेबल बना के उसको करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पॉइंट लिखा, फिर दूसरे वाले का 1 पॉइंट, फिर अगले पहले वाले का 1 पॉइंट, फिर दूसरे वाले का 1 पॉइंट, वो हौच पौच हो जाता है। आप टेबल बनाओ और आसानी तरीके से एकदम क्लियर आप वहाँ पे करके आओ। उसके बाद है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टेप वाइज। अब जैसे अगर मैथ्स का पेपर है या फिर साइंस का पेपर है, उसमें कोई न्यूमेरिकल है, तो आपको उसे स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले तो फार्मूला लिखना है जिसको आपने यूज़ किया है क्वेश्चन में, उसके बाद फार्मूला में वैल्यूज पुट करोगे और इसी हिसाब से आप चलते रहोगे, और लास्ट में आपको जो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, जैसे 500 है अगर वो सेंटीमीटर में है, तो आप ज़रूर लिखना वहाँ पे 500 सेंटीमीटर, नहीं तो नंबर कटते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो फाइनल आंसर है, अब उसको हाईलाइट कर देना। मैं ये नहीं बोल रहा उस पर हाईलाइटर चला दो, अब उसको पे एक एक बॉक्स में रख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बस एक बार वो हाईलाइट हो जाए कि ये फाइनल आंसर है। अगला है एक्सप्रेसिव डायग्राम्स। आपके जो डायग्राम्स हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छी शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करना और स्केल का भी इस्तेमाल ज़रूर करना। पेंसिल ब्लंट नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको सीधी लाइन खींचनी है, आप स्केल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। वो नहीं होना चाहिए, सीधी लाइन होना चाहिए। अगर कोई भी आप बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें एक्स और वाई एक्सेस दोनों मेंशन करने हैं, वेरिएबल्स देने ज़रूरी हैं, यूनिट्स देनी ज़रूरी हैं। जो डायग्राम है उसमें हेडिंग होनी चाहिए,
एरो मार्क्स अगर लगते हैं तो वो भी होने चाहिए, तो आपका डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। अगर आप समय की कमी है आप पे, तो आप सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखना है आंसर में। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपके सारे नंबर चले जाएंगे, इससे अच्छा कुछ लिख ही लो, एक दो नंबर तो मिलेंगे। डो नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लिमिटेड टाइम में। और अगर आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत देर लगा दोगे, आप 15 मिनट तक एक ही क्वेश्चन करे जा रहे हो, तो बाकी क्वेश्चंस को करने का टाइम चला जाएगा। तो अपने जो 3 घंटे हैं या 2 घंटे हैं, जितना भी आपको टाइम मिला है, उसको अच्छे से डिवाइड कर लो क्वेश्चंस के बीच में, ताकि आपका इधर उधर ना हो और आप सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। और लास्ट पॉइंट है, नेवर लीव द एग्जामिनेशन रूम अर्ली। जैसे बड़े हो जाओगे तो आपको एक छूट मिल जाएगी कि जैसे आपका पेपर पूरा हो गया आप जा सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना। अगर आपके पास लास्ट में समय है तो रिवीजन आपको ज़रूर करनी है। आपको ये बिल्कुल अच्छे से नोटिस करना है कि क्या आपने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, क्योंकि एक बार आपने रूम छोड़ दिया तो आपको दोबारा घुसने नहीं देंगे। हर क्वेश्चन के बाद आपको 1-2 लाइन छोड़नी ज़रूरी है, ताकि अगर आप बाद में आपको कोई भी पॉइंट याद आता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जो टिप्स हैं ये अच्छी लगी होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे। तो आज की तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विकी वर्ल्ड, क्योंकि मैं आपके पास एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।